तो कैसे हो आप सभी? सो गाइस, तो आज के वीडियो में आप सभी जानोगे बेबलेट की सभी सीरीज की टॉप 7 एपिक एंट्रीज के बारे में। दूसरे शब्दों में, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा उन सीन्स के बारे में जहां पर किसी बेबलेटर ने काफी अच्छी एंट्री मारी है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बस अपना ओपिनियन दूंगा, यानी कि इस वीडियो में जो आप एंट्रीज के बारे में जानोगे उन्हें मैं अपने हिसाब से नीचे से ऊपर के क्रम में रखूंगा। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें यार, ऐसे और से ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल FSN2 उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर मैं आपको दूसरे में से थ्योरीज और फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार, अब बिना को टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Yo, I'm सेवेंथ प्लेस पर आती है जिंगा की बेबलेट मेटल फ्यूजन में पहली एपिक एंट्री, जहां पर केंटा को फेस हंटर्स गैंग के मेंबर्स परेशान कर रहे होते हैं और उसके बेबलेट को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी टाइम जिंगा वहां पर आता है और अपने बेबलेट पेगासस को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद सारे के सारे बुरे बेबलेटर्स उससे डर कर भाग जाते हैं और इस तरह जिंगा केंटा को बचा लेता है। और इसी वजह से ये सीन मेरी लिस्ट में 7th प्लेस पर जगह बनाता है। 6th प्लेस पर आती है बेबलेट जी रेवोल्यूशन में बोरिस की एंट्री, बिकॉज बोरिस का वापस आना बेबलेट फैंस के लिए एक शॉकिंग सरप्राइज से ज्यादा कुछ नहीं था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोरिस वापस कम बैक करेगा, जबकि वो बेबलेट ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 में बुरे तरीके से हारा था, और इसी वजह से ये एंट्री सीन मेरी लिस्ट में 6th प्लेस पर जगह बनाता है। 5th प्लेस, बेबलेट ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 45 में, जहां पर काय ने अपने ब्लैक डॉन्सर की मदद से टायसन, रे और केनी को हरा दिया होता है और वो उनके बिट बीस्ट को उनसे छीनने वाला होता है। उसी टाइम हमारा मैक्स एक शानदार एंट्री के साथ सामने आता है और वो उसके बाद अपने बेबलेट रसील को आसमान से ही लॉन्च कर देता है। और सच कहूँ तो ये वाला सीन मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा था बेबलेट ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 में, और इसी वजह से मैक्स की ये शानदार एंट्री हमारे लिस्ट में 5th प्लेस पर जगह बनाती है। 4th प्लेस, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हेलियोस को नहीं भूले होंगे। जी हाँ गाइस, बेबलेट मेटल फाइट की मूवी में दिखाए जाने वाला ये कैरेक्टर हेलियोस जब अपनी पहली एंट्री के साथ सामने आता है तो पूरे बेस स्टेडियम में तहलका मच जाता है। इस बेबलेटर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और जो बेबलेटर बे बैटल कर रहे होते हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पूरा स्टेडियम धुएं से भर जाता है। इतना ही नहीं, जब हेलियोस की पहली बे बैटल जिंगा के अगेंस्ट होती है तो पेगासस को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, और इसी वजह से हेलियोस की ये एपिक एंट्री हमारी लिस्ट में 4th प्लेस डिजर्व करती है। 3rd प्लेस पर आती है बेबलेट बर्स्ट टर्बो के एंटेगोनिस्ट फाई की पहली एंट्री। शुरुआत के सीन में एकदम शांति का एनवायरनमेंट बना होता है, लेकिन फिर उसी के बाद आसमान से फाई का बेबलेट फीनिक्स आकर जंगल के बीचों बीच गिरता है, जिसके बाद पूरा का पूरा जंगल आग की लपटों से ढक जाता है। और इन्हीं आग की लपटों के बीच से चलकर आ रहा होता है बेबलेट बर्स्ट टर्बो का एंटेगोनिस्ट फाई कुरोमी, और इसी वजह से ये सीन में लिस्ट में 3rd प्लेस पर आता है। 2nd प्लेस, एपिक एंट्री सीन्स की बात की जा रही हो और अगर रायोगा का नाम न लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है? बेबलेट मेटल सीरीज के हर एक सीजन में रायोगा ने हमेशा शानदार एंट्री मारी है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी सीन के बारे में बात करूंगा जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो था वो सीन जब ईविल सुबासा और जूलियन कॉन्जर्न की टीम के बीच में वे बैटल चल रही होती है। उसी टाइम रायोगा वहाँ पर आता है अपनी ईविल वे में स्माइल करते हुए, और उसके बैकग्राउंड में पीछे की तरफ मीटियोर्स आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, और यहाँ पर मुझे जो एनिमेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसी वजह से रायोगा का ये एपिक एंट्री सीन मेरी लिस्ट में 2nd प्लेस डिजर्व करता है। तो अब बारी आ गई है उस एंट्री सीन की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और पर्सनली मेरा फेवरेट भी है, बेबलेट जी रिवॉल्यूशन के एपिसोड नंबर 46 में, जहां पर सारे बेबलेटर्स ट्रेनिंग करके थक चुके होते हैं। उसी टाइम टायसन फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बेबलेट ड्रैगून को आसमान की ओर लॉन्च कर देता है। ठीक उसी टाइम एक और बेबलेट आता है और वो टायसन के ड्रैगून से टकराता है, और इस तरह टायसन का बेबलेट ड्रैगून उसको वापस मिल जाता है, और ये बेबलेट कोई और नहीं बल्कि काय का ड्रॉन्सर ही था। और उसके बाद काय अपनी शानदार एंट्री के साथ सारे बेबलेटर्स के सामने आता है,
जिसे देखकर मैक्स और रे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर टायसन काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड में होता है और टायसन और काय एक दूसरे से नज़रें मिला रहे होते हैं। और इस समय यहाँ पर जो एनिमेशन था सनसेट वाले सीन का, वो काफ़ी ज़्यादा गजब लगा था मुझे, और इसी वजह से ये सीन मेरी लिस्ट में फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टॉप 7 एपिक एंट्री सीन्स इन बेबलेड ऑल सीरीज के बारे में। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हो तो नीचे हैशटैग या सेफेस्ट कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एंट्री सीन्स के बारे में भी बता सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर अपने हर एक फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको एनिमे से रिलेटेड मीम्स और इमेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे जिन्हें मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।